फटाक यानी 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महंगाई के जमाने में देश भर की जनता पेट्रोल और डीजल की मार झेल रही है। ऐसे में एक राज्य ने पेट्रोल डीजल में जनता को सबसे बड़ी राहत देने का फैसला किया है। जी हाँ, ये राज्य है झारखंड। झारखंड में पेट्रोल डीजल नए साल में 25 रुपए तक सस्ता मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये ऐलान किया है, लेकिन इस सस्ते पेट्रोल का लाभ फिलहाल बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको आप 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा पार्टी ने ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में लेने इसको हमने लिया और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना चाह रहे हैं। दरअसल झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग कर रहा था। एसोसिएशन सरकार से पेट्रोल पर 5% वैट घटाने की मांग कर रहा था। उनका कहना है कि अगर सरकार वैट की दर 22% से घटाकर 17% कर दे तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एसोसिएशन का कहना था कि झारखंड के पड़ोसी राज्य यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डीजल की कीमत कम है। ऐसे में झारखंड से चलने वाले वाहन पड़ोसी राज्य से डीजल भरवा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में अभी पेट्रोल करीब 98 रुपए के आसपास और डीजल 91 रुपए लीटर के करीब है। राज्य सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोल करीब 73 रुपए लीटर और डीजल करीब 66 रुपए लीटर हो जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।